हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु में जितेंद्र। दोस्तों आज हम करने वाले हैं टेस्टिंग इस सैपल की। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा एक यूनिक प्रोडक्ट जो है इस ब्रांड ने बनाया हुआ है, एंड इसको आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, कैसे बेनिफिट आता है, कैसे रोड पे इसका परफॉर्मेंस आता है, कैसे सब कुछ जो है इस वीडियो में टेस्ट करने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर जरूर देखिएगा ताकि सारी डिटेल इस प्रोडक्ट के बारे में आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों पहले करते हैं इसको अनबॉक्सिंग है, अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या आता है। इसकी बॉक्स पैकिंग आज तक मैंने ऐसी बॉक्स पैकिंग नहीं देखी है जिसमें कि स्ट्रैप्स के साथ में दिया हुआ है। एंड एक्चुअली इस बॉक्स को आप रीयूज भी कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इसके अंदर आए हुए हैं। ये थाई फ्लैप है, क्या होता है इसको बाद में बताऊँगा मैं। तो ये है मेन बेस जो कि बेस में रहेगा, एंड इसको बाजू में करता हूँ, इसको बाद में दिखाता हूँ। पहले बॉक्स के अंदर क्या क्या है पहले वो निकाल लेते हैं। तो दोस्तों सारी चीज़ें जो हैं वो निकल चुकी हैं, एंड यहाँ पे जो है थंब बोल्ट्स दे रखे हैं। थंब आपको कोई भी टूल इसमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होता है, आप इसको डायरेक्टली विदाउट टूल जो है फिट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको इंस्टॉल करते हैं। एंड इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको ये जो आप देख रहे हैं ये है बेस, मेन बेस जो नीचे रहने वाला है टैंक एरिया में। तो इसके जो लेग्स आप देख रहे हैं ये वाले, उसको थोड़ा सा जो है आप 0-0 नीचे की तरफ एकदम कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है फिट करके कैसे इसको बाद में टाइट करना है, वर्क करना है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ से आप इसको पकड़ के ईजिली जो है यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं इस एरिया में, और मेक श्योर कि जो टैंक का जो फिलिंग एरिया हो ना वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब उसके बाद हमको ये जो स्ट्रैप्स हैं खोल के जो है हमको ये जो फुट पैक है फ्रंट फुट पैक उसमें लगाना है। तो इसको आप नीचे की तरफ यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर सकते हैं, एंड मैं आपको उस तरफ का जो है फुट पैक करके दिखाता हूँ किस तरह से इसको करना है। यहाँ से टाइट करना है बट अभी हम टाइट नहीं करेंगे। अब एक और है जो फ्रंट में भी थोड़ा सा ग्रिपिंग चाहिए होती है, तो फ्रंट वाला भी जो है हमको ये स्ट्रैप निकालना है। तो अभी जो है इसको स्ट्रैप को जो है हम वायर्स के अंदर से लेके जाना है इसको। मैंने यहाँ का टाइट कर दिया। अब बाकी स्ट्रैप्स जो थे वो भी हम अच्छे से उसको प्लेस करके टाइट करेंगे। दोस्तों हमने तीनों जो स्ट्रैप्स हैं अच्छे से टाइट कर दिया, मतलब अच्छे से बॉडी वेट लगा के अच्छे से टाइट करिएगा। तो अब हम इसको ऊपर करते हैं। हमने ये ऊपर किया, एंड ये एरिया जो है इसको लॉकिंग के लिए जो है मैं यहाँ पे एक जगह पे लॉक कर देता हूँ। ये मैंने लॉक कर दिया, अब ये जो है स्टेबल हो चुका है। अब हमको क्या करना है कि अब हमको यहाँ से थोड़ा थोड़ा इसको टाइट करना है, जो इसके फुट्स हैं इसको टाइट करना है, ताकि जो स्ट्रैप में अगर हल्का फुल्का भी अगर मतलब थोड़ा टाइटनेस कम हो तो ये अच्छा से ग्रिप बना सके और अच्छे से जो है आपका ये लॉक हो सके। एंड एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि जो अगर आप टैंक पे लगा रहे हैं तो लैमिनेशन जो है टैंक पे करवा लीजिए, ठीक है। मैं रिकमेंड इसको करता हूँ ताकि हल्के फुल्के भी स्क्रैचेस ना आए। वैसे तो कंपनी ने मेक श्योर किया है कि इसमें स्क्रैचेस ना आए, क्योंकि ये रबर लेग्स हैं तो स्क्रैचेस आने चांसेस नहीं होते, बट फिर भी एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए इसमें जो है अगर आप लैमिनेशन कराते टैंक में तो बेटर रहेगा। अभी जो है बाकी जो इसके एसेसरीज हैं वो फिट करते हैं, जो टॉप कैनोपी है इसका वो फिट करते हैं। दोस्तों ये है टॉप फ्रंट कैनोपी, इसको जो हम फिट करेंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है दो होल दे रखे हैं जो कि हमको इस एरिया में डालना है। तो आप इसको आराम से प्लेस करिए, ठीक है, और धीरे 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 जो है इसको इवनली अगर आप इसको पुश करेंगे तो जब तक होल मैच ना हो जाए तब तक आपको पुश करना है। तो अगर आप देखेंगे होल्स जो हैं इसके अंदर आ चुके हैं। तो हम इसके साथ में हमको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थंब स्क्रूज दे रखे हुए हैं। आप अगर सिंगल राइडर हैं तो आप इसको राइड कर सकते हैं सिंगल, बट इसका रेयर पार्ट भी है वो भी मैं फिट करके दिखाता हूँ किस तरह से आप रेयर पार्ट भी फिट कर सकते हैं। दोस्तों अब आता है रेयर पार्ट जिसको फिट करना भी इजी है, साथ में ऑलमोस्ट इसके जो है एसेसरीज आती है। तो चलिए इसको फिट करते हैं।
अभी इसका काम नहीं है, इसका काम हो गया ख़त्म। अब यहाँ पर आते हैं, अब अपने हाइट के हिसाब से और अपने कंफर्ट के हिसाब से जो है यहाँ पर एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसको आपको पुल करना है और कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये एडजस्ट अपने हिसाब से हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये दिखता है बाइक के ऊपर सैपल का सील्ड, जिसको कैनोपी बोल सकते हैं, एंड बहुत ही अच्छा लुक कर रहा है, एस्थेटिक लुक बहुत सही लग रहा है। एक बार हिला के भी आप अच्छे से देख लीजिए, ऊपर वाली बॉडी हिलनी चाहिए कोई बात नहीं, नीचे वाला जो बेस है वो नहीं हिलना चाहिए। दोस्तों इस विंडशील्ड को भी जो है आप ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पे लॉक्स दिए हुए हैं, अगर आप देखेंगे एक साइड में इसको करके यहाँ पे जो है नीचे से अगर आप आते हैं तो इसको हिंजेस की तरफ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल कीजिए तो ये लॉक हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए लॉक हो गया, यहाँ से भी लॉक हो चुका है, एंड अभी जो है आप इसको आराम से राइड कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसको खोलना है तो हल्का सा प्रेशर ऊपर करिए, इस लॉक को नीचे करिए, एंड जो है आप इसको नीचे जो है आप कर सकते हैं और वापस इसको यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। तो ये वापस लॉक हो गया पोजीशन में, आप आराम से राइड कर सकते हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द फीचर है। एक और फीचर मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो थाई फ्लैप्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों एक प्रोडक्ट जो मैंने स्टार्टिंग में निकाला था, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, तो वो है ये प्रोडक्ट जिसको आप थाई कवर कर सकते हैं, क्योंकि रेन जब आती है तो आपका हेड एरिया तो पूरा कवर होता ही होता है, बट आपका थाई एरिया गीला ना हो उसके लिए भी जो है ये प्रोडक्ट जो है सैपल के प्रोडक्ट के साथ में आता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप ये इलास्टिक है ठीक है, यहाँ से करके यहाँ पर आपको, तो दोस्तों ये है आपने देखा थाई फ्लैप, जिससे कि आपका जो लेग है ना वो रेनी सीजन के लिए स्पेशली बनाया गया है, प्रोटेक्टेड रहता है, जो पानी आता है वो आपके लेग पे डायरेक्टली नहीं आएगा, लोअर पार्ट में आएगा बट थाई एरिया से ऊपर की तरफ नहीं आएगा, एंड बाकी ऊपर की तरफ आपको प्रोटेक्शन ऑलरेडी आपको मिल रहा है। तो दोस्तों आपने देखा इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी है, अटैच और डिटैच करना अगर आपने फर्स्ट टाइम, अगर आपको प्रॉपर स्टेप मालूम है तो आप विद इन 5 मिनट्स के अंदर अंदर इसको अटैच और डिटैच जो है आराम से कर सकते हैं। एंड अब बारी आती है इसकी रोड टेस्टिंग की, रोड पर कैसा परफॉर्म करता है वो भी हम देखते हैं। अब इसका हाई स्पीड टेस्ट जो हम करने वाले हैं। ओके, तो इट्स ऑफ रोड टेस्ट। दोस्तों अभी मैंने इसका जो है टेस्ट राइड लिया, एंड टेस्ट राइड आपने देखा कि मैंने मल्टीपल रोड्स पे लिया है, स्मूथ रोड पे भी दिया है, ऑफ रोड पे भी दिया है। इसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ऐसे रहा, कंफर्टेबल बहुत है, एंड सामने से जो विंड ब्लास्ट आता है ना वो नहीं आता, वो बहुत अच्छी बात है। मैंने कोस्टल एरिया में लिया, यहाँ पे विंड बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए जानबूझ के मैंने यहाँ पे टेस्ट किया था कि हाई स्पीड में आपको टेस्ट करके दिखाऊं। राइडिंग कम्फर्ट बहुत ही सही है, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही है। अब इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी जो आपको देखने मिलेगा, ये तो अभी इनिशियल रिव्यू था जो कि मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया है, एंड लॉन्ग टर्म रिव्यू भी आपके लिए जल्दी जो मैं इसको बनाऊंगा। तो दोस्तों आपने देखा इसका अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन एंड साथ ही साथ रोड टेस्ट पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। मेन चीज़ अगेन बोल रहा हूँ कि अगर ये ऊपर वाला हिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, वो इसी तरह से बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है कि वो थोड़ा मूव करे, बट बेस इसका नहीं हिलना चाहिए, वो आप मेक श्योर करिए अच्छे से। आपने अगर तीनों जो स्ट्रैप से टाइट किए हुए हैं, लेग को अच्छे से आपने जो है टाइट किया हुआ है, तो ये बिल्कुल भी बेस से हिलेगा नहीं। एंड अगेन एक रिकमेंडेशन जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आपको स्क्रैचेस का डाउट है, क्योंकि कंपनी ने तो वैसे मेक श्योर किया कि इसमें स्क्रैचेस ना लगे, अगर फिर भी आपको डाउट है तो एक लैमिनेशन आप जो है शीट नीचे लगा सकते हैं, जिससे कि आपके टैंक पे स्क्रैचेस हल्के फुल्के भी नहीं आए। एंड दोस्तों अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका बेनिफिट एक्चुअल में क्या है। रेनी सीजन में आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, आपको रेन जो है ज़्यादा नहीं आएगी, साथ ही साथ सनी डेज़ में विंडी हो गया या फिर डस्टी है वो सारी चीज़ नहीं आएगा, एज अ विंडशील्ड भी वर्क करता है, एज अ प्रोटेक्शन भी आपका जो वर्क करता है। तो आप सनी डेज़ हो या रेनी सीजन हो, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्शन के साथ में। दोस्तों अब बहुत लोगों को क्वेश्चन ये भी आएगा कि अब प्राइसिंग क्या है इसका, तो 7500 इसका प्राइस है। एक फीचर अभी मैंने नहीं बताया जो कि उसका मोबाइल फीचर है, मोबाइल ऐप के साथ में किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं वो जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में इसे कवर करूंगा। एंड दोस्तों यहाँ वीडियो को एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट को, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। बाय।